हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देखिए, हाथरस कांड को लेकर हंगामा थम नहीं रहा है और उस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई है। परिवार से मुलाकात कर लौटने के बाद संजय सिंह मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। घटना के बाद आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की शह पर ऐसा हुआ है और इस दौरान आप कार्यकर्ताओं के बवाल करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्याही फेंकने के आरोपी दीपक शर्मा नाम के आदमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तस्वीरें देखिए जिस वक्त की घटना हुई। परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और देखिए किस तरह से स्याही फेंकी गई उनके ऊपर। आने के बाद यहाँ विवाद की स्थिति हो गई है और पुलिस के साथ पुलिस पे हमला किया है। कुछ लोगों ने ये देखिए विवाद की स्थिति समय है। संजय सिंह पे स्याही फेंकी गई है यहाँ पर और चारों तरफ अफरा अफरी का माहौल है। फिलहाल जिस आदमी ने स्याही फेंकी है उसको पकड़ लिया गया है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अभी पुलिस के साथ था। कुछ लोग भिड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, नाराज हैं। इस वक्त देखिए ये हालात। जिसने भी स्याही फेंकी है फिलहाल पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी पहचान के बारे में पता किया जा रहा है लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो कुछ फेसबुक लाइव और फेसबुक पे बात करने वाला एक यूट्यूबर टाइप का व्यक्ति है जिसे अभी कब्जे में लिया गया है और आम आदमी पार्टी के लोग इसके विरोध में फिलहाल सड़कों पर बैठ गए हैं। इनका पुलिस से शिकायत है कि उन्होंने शह दी। क्या हुआ? हम चुपचाप खड़े हुए थे, लाठीचार्ज किया है। संजय सिंह के साथ क्या हुआ? पथराव किया है। मोटे मोटे कहाँ पे? गाड़ी अंदर पुलिस फोटो के सामने, पुलिस के सामने मारे गए। फिलहाल स्याही फेंकने की और पत्थर मारने की शिकायत की गई है आम आदमी पार्टी के लोग और इस समय पूरा हंगामा इस समय मचा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस ने फिलहाल इन लोगों को यहीं पे रोक रखा है और उस व्यक्ति को गाड़ी में बैठा के जिसने स्याही फेंकी है गाड़ी में बैठा करके और उसे अपने साथ थाने ले गए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ इंद्रजीत राय, एबीपी न्यूज, हाथरस। तस्वीरें आप देख रहे थे, हाथरस में हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। इंद्रजीत, क्या कुछ हुआ था वहां पर? पूरी घटना क्या हुई थी और अचानक ऐसा कैसे हो गया कि पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स आया और स्याही डालकर चला गया? जी देखिए, संजय सिंह यहां पर आए थे पीड़ित परिवार से मिलने। वो इसी रास्ते से गांव में गए थे। जब वो उधर से एक घंटे मिलने के बाद वापस आए तो अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक शर्मा बताया जा रहा है वो यहाँ पर आया। उसने अपनी जेब से एक स्याही निकाली। स्याही निकालने के बाद वो फेंकने लगा। अच्छी बात ये थी कि तुरंत उसको यहाँ पे जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने काबू कर लिया और संजय सिंह की गाड़ी को यहाँ से निकलवाया। जैसे ही ये लोग बाहर गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्तेजित हो गए और उन लोगों की पुलिस बल के साथ थोड़ी कहासुनी हुई। इसके अलावा एक व्यक्ति जो स्याही फेंकने वाले के साथ आया था उसकी कुछ लोगों ने यहाँ पिटाई भी कर दी लेकिन उस दीपक शर्मा को फिलहाल पुलिस यहां से अपनी हिरासत में लेके गई है। अधिकारियों ने बताया है कि जो भी कानूनी कार्यवाही उस पर होनी चाहिए वो जरूर होगी। जी आप रहे हमारे साथ इंद्रजीत, एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें फिर से दिखाते हैं किस तरह से पूरी घटना हुई है हाथरस में। लगातार कल भी हंगामा हुआ था, कल आरएलडी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई थी और आज संजय सिंह वहां पर पहुंचे थे। कैसे वहां पर स्याही उन पर फेंकी गई, तस्वीरें देखिए। वापस जाओ।
संजय सिंह परिवार से मुलाकात करके बाहर निकले थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उस दौरान दीपक शर्मा नाम का ये शख्स बताया जा रहा है, ये वहां पर पहुंचा, नारा लगाते हुए इसने संजय सिंह पर स्याही फेंकी और जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी भड़क गए और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। फिलहाल